प्रेम। हमने कहा काय को डर लगता है, क्यों डर क्यों लगे? भूत भावन भूतेश्वर भगवान का स्मरण करो तो डर कैसा कैसा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। उसका बाल बांका नहीं हो सकता जो शिव की उपासना कर रहा, जो शंकर की उपासना करे उसका बाल बांका कैसे हो सकता है। कौन लगे प्रभु? अंदर से दरवाजा बंद है। भोलेनाथ जी ने कहा दरवाजा बजा, पार्वती और बजा, दरवाजा बजा, उठ, खुले ही नहीं। शिव जी ने कहा एक काम करो बाहर आ जाओ। इतने में माता पार्वती क्रोध में आकर बोली अंदर जो भी हो दरवाजा खोलो नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर आकर बोले भोलेनाथ ये नगरी ये बद्रिकाश्रम मेरी पत्नी पार्वती जी के सम्मुख में लक्ष्मी जी कहती हैं मुझे और मेरे नारायण को बहुत भाया है इसलिए यह बद्रिकाश्रम आप हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा और कहा अपना घर अपन इनको दे दे। भोलेनाथ जी बोले मैं पहले ही बोला था गोदी मत ले, अब लिया है तो दे। अच्छा शिव जैसा दानी कहां होगा? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी बोलो तो? किसने करी सबसे पहली रामचरितमानस की रचना? शंकर भगवान ने करी। बाबा भोलेनाथ जी 100 करोड़ श्लोक थे उसमें, 33 करोड़ मनुष्य को, 33 करोड़ देवता को और 33 करोड़ श्लोक राक्षसों को बांटे थे बाबा शंकर ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए थे प्रभु इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना आपने करी है और इसमें से 1 करोड़ श्लोक आपके पास में रहेगा ये हमको और दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ 33-33 लाख और ले जाओ। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए क्योंकि शिव जी के पास 1000 श्लोक रह गए। भोलेनाथ 1000 श्लोक आपके पास में है। शिव जी ने कहा ले जाओ 33-33 सौ और ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए भोलेनाथ 100 श्लोक आपके पास में। भोलेनाथ जी ने कहा ले जाओ 33-33 और ले जाओ। शिव जी के पास 1 श्लोक रह गया। मनुष्य देवता राक्षस फिर बोले भोलेनाथ 1 श्लोक आपके पास में ये हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा लेने वाले 3 श्लोक 1 करूं क्या? शंकर भगवान ने 1 श्लोक को बांटा तो वह अनुष्टुप छंद का श्लोक था। भगवान शंकर ने तोड़ दिया। अनुष्टुप छंद में संस्कृत के 32 अक्षर होते हैं, 10-10 अक्षर शिव जी ने तीनों को दे दिए। शंकर जी के पास 2 अक्षर रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आकर बोले भोलेनाथ ये 2 अक्षर हमको दे दो। शिव जी ने कहा पूरी रामायण तुमको दे दी, रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दूंगा। मत दो पर बताओ तो भोलेनाथ आपने दुनिया को सब कुछ दिया अपने पास क्या रख लिया? शंकर जी ने कहा 1 रा 2 म राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया। सब दे राम मेरे पास है और राम के सिवा कुछ भी नहीं मेरे पास, केवल राम। और एक अपन राम दूसरे को दे देते हैं, काम अपने पास रख लेते। सुबह सुबह जितने मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, भैया राम राम, पूछो कहाँ जा रहा? काम पे जा रहा। राम तू धर ले, काम मैंने धर लिया। और भगवान ने राम अपने पास रखा और सारी दुनिया को काम से लगा दिया। लगेगा राम अपने पास। और आज नारायण बोले ये बद्रिकाश्रम हमें दे दो, शिवजी बोले ले लो मना नहीं है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा, भोलेनाथ जी बोले मत घबरा, क्यों चिंता करती है? अपन तो शमशान के रहने वाले, कैलाश पे रहने वाले, अपने को घर की जरूरत क्या है प्रभु? फिर कहाँ रहेंगे? शंकर भगवान बोले ये किसने ले लिया तो दुनिया थोड़ी ना कम पड़ गई, चल अपन केदारनाथ पर रहेंगे। बद्रिकाश्रम नारायण को दे दिया, केदारनाथ पे जाकर शिव जी रहने लगे। भले रह लो, तो किसका था बद्रीनाथ?
अरे बोलो तो शिव जी, भले तुम जाके वहां नारायण नारायण करो, बद्रिकाश्रम भगवान की जय बोलो, बद्री नारायण की जय बोलो, पर आज भी प्रमाण है बद्रीनाथ में अगर 41 दाने चने की दाल के पीले कपड़े में बांध कर जो शंकर भगवान के 41 बार नाम लेकर बद्रिकाश्रम को चढ़ाता है, आज भी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए बद्री नारायण में चने की दाल चढ़ती है। क्या चढ़ती है? चढ़ाई किन चढ़ाई? कभी गए हो आप लोग बद्रिकाश्रम? गए? कौन कौन गए? हाथ उठा। गए हो? चने की दाल चढ़ाई है वहां पर? ये देखो, सब माताएं जानती है चने की दाल वहां चढ़ती है। क्यों चढ़ती है किसी को नहीं मालूम, पर उसका कारण यह शिव महापुराण में लिखा कि बद्रिकाश्रम में चने की दाल शंकर भगवान का नाम लेकर चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे दादी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं, देखा, स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं तो चने की दाल बर्तन में भरते हैं, फिर उस पर सोने की सीढ़ी रखते हैं, तब वो स्वर्ण सीढ़ी चढ़ती है। उसी तरह जब हम किसी बच्चे को गोदी लेते हैं और उसको कोई दान देते हैं, अपना मकान अपनी जायदाद जब उसके नाम लिखते हैं, तो बच्चे को जब गोदी लिया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल भरी जाती है। नामकरण संस्कार जब बच्चे का किया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल रखी जाती है। क्यों? चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, अब कोई 41 तो गिनता नहीं, इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है, जितने हैं दे दो, शिव का नाम समर्पित कर दिया। हर हर भगवान शिव का नाम लेकर बद्रिकाश्रम में चने की दाल का दान। अच्छा, इसलिए केदारनाथ में जपा जाता है नारायण नारायण और बद्रिकाश्रम में जपा जाता है ओम नमः शिवाय। दोनों जगह विपरीत दशा है। केदारनाथ जी में क्या जपना चाहिए? श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे केदारनाथ जी में बैठकर भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। और बद्रिकाश्रम में जब भी जाओ तो मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो, नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्चे के, बच्ची का, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में निकल ही नहीं रहा, तीन तीन चार चार बार बैठ गया, पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे को बोल दो बस सुबह उठते से ही शिवाय नमः ओम बोलना चालू कर दे, एक ही बार में सिया पास ले। कहा करे तो जॉब नहीं लग रहा हो, जब उल्टा उल्टा जप ले, ये उसी में का हाल है। जैसे किसी व्यक्ति से अपने को पैसा लेना और दे नहीं रहा, क्या करना है? सूर्यनारायण भगवान को अर्घ दो तो 21 दाने लाल मिर्ची के जो दाने होते हैं, देखें लाल मिर्ची के अंदर दाने होते हैं, उसके 21 दाने निकाल कर पानी में डाल दो और पानी में डालकर उसी जल से सूर्य को अर्घ दे दो, उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसा लेना है, हाथ जोड़कर देने आता है, तुरंत 3 महीने के अंदर पैसा लौटा दे, हाथ जोड़कर, ये सूर्य को अर्घ देने है, पर मात्र व्यक्ति दौड़कर पैसा देने आता हो, कितना भी हो, रहने नहीं देता प्रचंड। शिव के सिवा दुनिया में कोई दानी नहीं, शंकर जैसा कोई दानी नहीं हो सकता, स्वयं कैलाश पर रहता है और दुनिया को लखपति, करोड़पति, आनंदपति बनाकर भेज देता है। जो आप लोग लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की पूजन करते हो ना, कौन है ये कुबेर जिसकी पूजन करते हो दिवाली पे? कौन है? एक चोर भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में रात्रि के समय देखने के लिए, उजाला करने के लिए, कोई प्रकाश करने के लिए कोई मशाल या अग्नि नहीं थी। उसने शंकर जी के मंदिर का त्रिशूल उठाया,
अपने कंधे का पिछोड़ा उठाया, उसको लपेट कर उसमें दिए से आग लगाकर त्रिशूल से चारों तरफ घुमा घुमा कर उजाला कर कर देखने लगा। जैसे ही देखा वैसे ही मेरे शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांग तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ मैं तो चोर हूँ, चोरी करने आया था, मेरे परिवार का भरण पोषण करना है। भोलेनाथ जी बोले, आज शिवरात्रि के दिन तूने रात्रि के समय पर मध्य रात्रि में मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, इसलिए मैं तुझे वर देता हूँ, जा कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा। और भगवान शंकर ने कुबेर को नीचे उतार दिया और यह चोटे को कुबेर बना दिया। सोचो कितना दयालु होगा, चोर को कुबेर बना दिया, जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो यह चोटा है, चोर है। और यही कुबेर जब खूब धनपति बन गया, खूब अपार धन आ गया, तो इसने पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण करने बुला लिया, आओ साहब हमारे यहाँ आकर भोजन करो, क्यों सबको दिखाने के लिए हमारे यहाँ का राज सत्ता तो देखो कितनी है। अब वो चोर को कुबेर बना दिया, सबको बुलाया, सबको, और शंकर जी को बुलाना भूल गया। इतने में देवऋषि नारद जी वहीं से आ गए। नारद जी ने कहा, क्या बात है कुबेर जी? कुबेर जी बोले, आज हमारे यहाँ भोजन है, कल आप भी आना, बड़े प्रेम से पाना। नारद जी बोले, हम तो पालेंगे, पर ये तो बता चोटे, तेरे को जिसने कुबेर बनाया उसको बुलाया? कि महाराज मैं उसको भूल गया। होता है, दुनिया के लोगों की रीति है, जब व्यक्ति जिसके माध्यम से आगे बढ़ जाता है, बढ़ते चले गया, धनपति हो गया, सब कुछ बना लिया, पर जिसके पूंजी से, जिसके धन से, जिसकी संपदा से, जिसके आशीर्वाद से व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको व्यक्ति भूल जाता है। बस उसी को भूला, उसी को। बाबा कुबेर जी ने कहा, मैं तो भूल गया, अब क्या करूं? नारद जी ने कहा, जाओ विनती करो। नारद जी ने जैसे ही कहा, कुबेर दौड़ कर गया भोलेनाथ जी के पास में, हर हर। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? इतने में कुबेर बोला, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, देखो ये बड़ी बड़ी पार्टियां तो मैं तो वैसे भी अटेंड नहीं करता भैया, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो कौन अटेंड करेगा? इतने में भगवान भोलेनाथ जी बोले, मेरा जो छोटा बेटा है गणेश, वो अटेंड करेगा। इतने में कुबेर बोला, प्रभु वो इतना सा तो रखा है, क्या खाएगा? इतना तो केना था। शंकर भगवान को हंसी आ गई, इसीलिए तो उसको अटेंड करने भेज रहा हूं, इसीलिए उसको भेज, वो क्या खाएगा? बाबा भोलेनाथ जी बोले, अब तो इस समय बताएगा कितना खाता है। कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया। कार्तिकेय जी ने अंदर माता पार्वती से कहा, मां मां। माता पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है मां? घर का बड़ा बेटा कौन है? भगवान पार्वती जी ने कहा, कार्तिकेय तू जब बड़ा बेटा मैं हूं तो सबसे पहले पार्टी अटेंड करने का हक किसका? तेरा। तो शंकर जी ने, पिताजी ने गणेश जी को कुबेर भैया के यहां भोजन करने क्यों भेजा? शंकर जी आएंगे, उनसे पूछेंगे। भोलेनाथ जी जैसे ही आए, पार्वती ने पूछा, क्यों उपद्रव करवाते हो प्रभु? ये सब प्रपंचा क्यों करवाते हो? जब तुम्हारे दोनों बेटे बराबर हैं तो फिर ये बड़े को तुमने भेजा क्यों नहीं? इतने में शंकर जी बोले, मुझे मालूम है कहाँ पर कौन सी पार्टी में किसके घर किसको भेजना, लिफाफा लेके सब मालूम, कौन सी शादी किसको अटेंड कराना ये मुझे मालूम है, इसलिए मैंने गणेश जी को मां भेजा। और गणेश जी से कहा, बेटा अच्छे से जीवना। गणेश जी बोले, पिताजी नाक कटाऊंगा नहीं, क्योंकि नाक मेरी लंबी है, तुम चिंता करो मत, जीवने बैठा तो उठूंगा नहीं जब तक आपकी सूचना आएगी नहीं। और गणेश जी महाराज पहुंच गए, शाम को 7 बजे भोजन का टाइम, 4 बजे पहुंच गए। और 4 बजे जैसे गणेश जी पहुंचे, आवाज लगाई, कुबेर भैया कुबेर भैया। अब जैसे बोले कुबेर भैया, तो कुबेर भैया तो नहीं आए, कुबेर जी की धर्मपत्नी निकलकर बाहर आ गई। और कुबेर जी की पत्नी ने कहा, गणेश जी भोजन का टाइम तो 7 बजे। इतने में गणेश जी बोले, भाभी जी सब लोग जिमने आ जाएंगे, मैं छोटा सा कहाँ बैठ के जिमूंगा, इसलिए आ गया। अंदर से कुबेर जी बोले, अब आ गया है तो जिम लेन दो, अच्छा है जितने जिम के जाएंगे टाइम तो निकल जाएगा, और समय 33 करोड़ देवी देवता का भोजन बना, इसको जल्दी जल्दी जिमा जिमू के नचीत कर। ऐसे गणेश
गणेश जी को बिठाया, आओ गणेश जी बैठो। भाभी ने कहा बैठो, गणेश जी बोले भाभी बैठ जाऊं? हाँ बैठ जा। चौकी लगा के गणेश जी के बिठा दिया और अब थाली जैसे ही लगी, भाभी थाली लगा के लई, गणेश जी खाते गए। जैसे खाते गए 33 करोड़ देवी देवता का भोजन 15 मिनट में निपटा गया। 33 करोड़। अब 33 करोड़ देवी देवता का भोजन जब 15 मिनट में निपटा, सारा भोजन खत्म। गणेश जी आवाज लगाए, भाभी और लिया। भाभी गई तो चने की दाल की बोरी, चावल की बोरी, आटे की बोरी सूखी सूखी धरी आई, वो सूखा सूखा ही खा गया। घर का जितना माल था, दुकान का जितना माल, भंडारे का जितना माल सब खा गया। इतने में कुबेर जी की पत्नी दौड़ती दौड़ती गई, स्वामी स्वामी। स्वामी जी बोले क्या हो गया? कुबेर जी बोले हुआ क्या कि वो सब खा गया। कि कौन? तो कि वो गणेश। तो कि वो तो इतना सा था। तो भाई इतना सा तो है पर तोन जोरदार है, सब खा गया। इतने में कुबेर जी नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी तो आनंद में लगे हुए थे, खूब अलमस्ती। नारद तो नारद, वो अलमस्ती में। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण
महाराज पहुंच गए। कुबेर जी ने कहा, नारद जी कुछ करुणा कर दो प्रभु, हमारे यहाँ का सारा भोजन कर गए वो गणेश जी महाराज, सारा भंडार खाली हो गया। इतने में नारद जी बोले, भैया उसको तो एक ही रोक सकता है, कौन कौन रोकेगा? के भोलेनाथ जी के सिवाय कोई नहीं रोक सकता। जाओ भोलेनाथ जी से विनती करो। और उसी समय पर कुबेर जी दौड़ कर गए भोलेनाथ जी के पास में। हे शिव, हे शंकर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है कुबेर, तुम्हारा मुख उतरा हुआ है? कुबेर जी ने कहा, प्रभु वो गणेश जी। शंकर जी बोले, गणेश को क्या हो गया? वो दुनिया को सब कुछ कर देता है, उसको क्या हो गया? कि उसको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ 33 करोड़ देवी देवता को हुआ है, कुछ बचा ही नहीं है, वो सब खा गया। भगवान शिव ने कहा, क्या चाहते हो? उनको जीवने से रोक दो प्रभु, कुछ बचा ही नहीं है, आप देखेंगे। शंकर जी ने एक दोबा दुर्बा उठाकर दे दी कि गणेश जी को दे देना, कि ना ये दांत खरोच ले। कुबेर जी लेके एक दूबा चले, कुबेर जी ने सोचा खाया इतना है तो एक दूबा से क्या काम चलेगा। जाते जाते उन्होंने दूबा की गड्डी बना ली। आज भी नियम है, गणेश जी को ढेर सारी दूबा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने एक दुर्बा गणेश जी को दी थी, इसलिए एक दुर्बा गणेश जी को चढ़ा दो तो गणेश जी स्वीकार कर लेते हैं। ढेर सारी चढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, कि बहुत सारी चढ़ाएंगे तो गणेश जी राजी होंगे। तो कुबेर जी ने चलते चलते बहुत सारी उठा ली थी, गणेश जी को ले जाके दे दी, लो प्रभु ये। कहां चढ़ाते हैं दुर्बा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्बा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सुंड के गणेश, एक लेफ्ट सुंड के गणेश। राइट सुंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सुंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सुंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान व्यापार व्यवसाय में अगर राइट सुंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है, इसलिए घर में सीधी सुंड का गणेश, और दुकान व्यापार व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सुंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहाँ कहा यहाँ दिया, यहाँ कहा दिया, अब रखे रखे रहने। हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की दो धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी है। कितनी है गणेश जी की? 5 पत्नी। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। कितनी है? 5। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना श्रीमान, ये श्री संबोधन कहां से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी, लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते हैं श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया? किस लिए लगाया? कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते। पर किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई, और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरण को रोक लिया और कहा, प्रभु
मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा, तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहां से आया वो भी समझ लीजिए, हर कहीं से थोड़ी ना लगा दिया जाता है कि जी कहां से आ गया। एक पत्नी भी लगाती है ए जी, और जब वो बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी, उसके जी में थोड़ा भारीपन है। तैतीस करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की, सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? अरे बोलो तो, ये आप लोग वो वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, ये पुराना व्रत नहीं है, ये तो अभी अभी लोगों ने चालू कर दिया। ये लक्ष्मी, यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन दिवाली के दिन व्रत रख लेते हैं, हमारे शास्त्रों में उसका भी प्रमाण नहीं है। वो तो तुम लक्ष्मी के चक्कर में रख लेते कि दिन भर भूखी रहूंगी तो लक्ष्मी जल्दी आ जाएगी, नहीं तो ये हमारे शास्त्र में प्रमाण नहीं है लक्ष्मी जी के व्रत। कहीं सरस्वती का व्रत है क्या? ब्रह्माणी का? अरे बोलो तो सर, बसंत पंचमी के दिन रखते हो कि सरस्वती का व्रत? नहीं, केवल एक व्रत माता पार्वती का। क्यों नहीं है? लक्ष्मी का व्रत इसलिए नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को श्राप दी थी जब लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी, और इतने में भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का मुख देखा, देखकर हंस दिए। इतने में लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुख लग जाए। तो भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा और नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार? हयग्रीव। ये लक्ष्मी का श्राप नारायण को लगा था, इसलिए लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज की भूमि पर। जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्मा देवता मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी यज्ञ में बैठो। ब्रह्मा जी ने नारायणी से कहा, ब्रह्माणी से कहा, ब्रह्माणी जल्दी चलो, सरस्वती जल्दी चलो, यज्ञ में बैठना है। ब्रह्माणी ने कहा अब भी आई तैयार होके। ब्रह्माणी तैयार होने में लगी रही, बहुत समय निकल गया, मुहूर्त निकलने लगा। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा ये मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा करे क्या? इतने में ब्राह्मणों ने कहा तुम बताओ क्या करे। ब्रह्मा जी बोले आपको जो करना है करो। ब्राह्मणों ने गाय को पकड़ कर ले आए और गौ माता को खड़ी कर गाय के सामने वेद ध्वनि करना प्रारंभ करा। जब वेद ध्वनि करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया, गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांध कर बिठा दिया। जैसे बिठाया उसी समय पर ब्रह्माणी आ गई और ब्रह्माणी ने आकर देखा, ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे पृथ्वी पर कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्माणी ने श्राप दे। कहीं पर मंदिर है ब्रह्मा जी का? केवल एक जगह पुष्कर जी में जहां यज्ञ कराता वहां। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया, पर एक माता पार्वती ऐसी थी जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत माता पार्वती के होते हैं। व्रत तुम्हारे भी चालू हो सकते हैं, तुम ऊंची आवाज में नहीं बोलो तो व्रत करना दिक्कत नहीं है, व्रत तुम्हारे भी हो जाए चालू, बस तुम मीठा बोलो तो व्रत चालू करने में किसको दिक्कत। कई कई बुजुर्ग माताओं के तो आज तक व्रत चलते हैं, सही है गलत है? कई कई माताएं कहती हमारी सास ऐसी थी, इतनी बढ़िया गुरुजी, हमारी दादी सास ने ऐसा नियम बना दिया तो नियम चल रहा है, ये व्रत नहीं तो और क्या? जो सास दादी सास बना के चली गई वो नियम आज तक चल रहा है, ये व्रत ही तो है, उन्होंने अच्छा करा इसलिए नियम चल रहा है। तुम भी कुछ अच्छा करो, खूब प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, तो तुम्हारी बहुएं भी कहेंगी हमारी सास इतना जोरदार बोलती थी, इतना जोरदार।
तो तुम्हारे व्रत चालू हो जाए। अब तुम जब भी बोलो तो चामुंडा और चंद्र घंटा की तरह बोलो तो कौन व्रत करे तुम? मीठा अच्छा बोलो, विद्वत्ता से परिपूर्ण बोलो, प्रखर। अब केवल एक मां समय आया, श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया है शिव महापुराण का सुंदर लेख कानन, 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता 12 खंड है। देखो भागवत की रचना वेद व्यास जी ने इसलिए करी कि वेद व्यास जी को अपने मन में आत्मा की शांति के लिए कुछ करना था, आत्म तृप्ति के, आत्मोद्धार के लिए। और जब आत्मोद्धार के लिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी, उस रचना के बाद में जगत के लोगों को जगत कल्याण के लिए, जिसको देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान वेदव्यास जी ने देखा दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो वेदव्यास जी ने सोचा अब करा क्या जाए। तब वेदव्यास जी ने उसी समय शिव महापुराण की रचना कर दी जगत के कल्याण, जगत शिव महापुराण। वेदव्यास जी लिखे एक बड़ा सुंदर महत्तम लिखा, बड़ा सुंदर तत्व लिखा वेद व्यास शिव महापुराण के लिए। कहते हैं भागवत पितरों को तारती है, रामचरितमानस जीव को तारती है, पर वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिख रहे हैं। अगर शिव महापुराण की कथा देखो, भागवत तो गोत्र से तार रही है, काय से तार रही है, गोत्र से। सुनिए भागवत, अरे बोलो तो सुनिए। गौकर्ण ने धुंधकारी के लिए गया जी में पिंडदान करा था, करा था कि नहीं करा था? उसके बाद भी धुंधकारी तरा था क्या? अरे बोलो तो नहीं तरा। गया जी में पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तर पाया, क्यों नहीं तरा? क्या गया से मुक्ति नहीं मिलती लोगों को? अगर गया से मुक्ति नहीं मिलती तो दुनिया के लोग गया जी में जाके पिंडदान करते क्या? नहीं करते। गया भी मुक्ति का केंद्र है, गया जी से पिंडदान करने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, पर धुंधकारी को क्यों नहीं मिली? उसका कारण था क्योंकि जब जब गोकर्ण पिंड देता था, धुंधकारी का नाम बोलता था, अपना गोत्र बोलता था, पर उसको यह नहीं मालूम था कि यह धुंधकारी मां की संतान नहीं, धुंधकारी तो किसी सहेली की संतान थी और मां पैसे देकर उसको गोदी लेकर आ गई थी, नाम अपना दिया, गोत्र अपना दिया, पर यह नहीं समझ पाया कि यह दूसरे की संतान है, इसलिए वो तर ही नहीं पाया। भागवत गोत्र से तारती है, राम कथा जीव को तारती है, पर शिव महापुराण कहती है अगर शिव पुराण की कथा में अगर माताएं और पुरुष वर्ग कर कथा को सुनते हैं तो माता के पक्ष की 7 पीढ़ियां और पुरुष वर्ग के पक्ष की 7 पीढ़ियां बिना गोत्र के ही तर जाती है शिव महापुराण की कथा बिना गोत्र। क्यों? शंकर जी का क्या गोत्र है बोलो तो? जब उनकी शादी हो रही थी ना भोलेनाथ जी की, तो पंडित जी ने पूछ लिया था, संकल्प देते कन्यादान का, कन्यादान के संकल्प के समय पंडित जी बोले अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम बोलो शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में पंडित जी को बुरा लग गया, पंडित जी ने सोचा बताओ
ब्याह करने आया है कि नशे में आया है? पिता का नाम शंकर, खुद का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में तुरंत पंडित जी उठ के खड़े होकर हिमालय राज से बोले, वहां भोलेनाथ जी के सम्मुख में हिमालय राज से बोले, हिमालय राज ये कैसा दूल्हा, अपनी लड़की को तुम इसके साथ ब्याह रहे, नशेले के साथ, गंजेड़ी भंगेड़ी के साथ। इसे इतनी सूझ नहीं कि अपने पिताजी का नाम क्या है। इतने में हिमालय राज ने अपनी पत्नी मैनावती से कहा, मैनावती तू बेटी से के, पार्वती से कहा, पार्वती तू उससे के, पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु ब्याह अच्छे से कर लो, क्यों प्रपंचा मचा रहे, क्यों प्रपंचा। तो भोलेनाथ जी बोले, पार्वती मैंने गलत क्या बोला बता, अच्छा तो के तुम तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो ना। तो भगवान भोलेनाथ जी बोले, अच्छा अब की बार पूछेगा, तो बिठा पंडित को वापिस, बैठा पंडित वापिस बैठा, फिर संकल्प चालू, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम अरे बोलो शंकर, गोत्र शंकर। इतने में तो पंडित को लगी बहुत मिर्ची, पंडित तो उठ के शादी के मंडप से बाहर, पार्वती जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए, बड़ी मुश्किल से एक पंडित आया, क्योंकि तुम बारात ऐसी लाए थे सब देख के भग गए, एक ही बच्चा तुम उसको भगा दोगे तो शादी कौन कराएगा। इतने में शंकर भगवान बोले, वही कराएगा जो भी भाग के गया, तो चिंता मत कर। शंकर जी ने गले में से हार को उतारा और कजारे जरा धोती में घुस जा, और जैसे ही बब्बा गया, और जैसे ही गया पंडित जी के पास, पंडित भाग के तुरंत और मंत्र बोलना चालू, ऐसा मंत्र बोले। इतने में पार्वती बोले, ये तो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है। भोलेनाथ जी बोले, अब तो पूरी भावर करा के चुप होगा, तू चिंता मत कर, बोलने दे, अब बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, चुप ही नहीं हो। पार्वती बोले, मर जाएगा, टेका जाएगा बापड़े के। इतने में शंकर जी बोले, तू चुपचाप बोल, वो तो बोलने दे, तो कब रुकेगा। भोलेनाथ जी बोले, जब पूरी भावर हो जाएगी, जैसे ही अपन बैठेंगे वैसे ही बटन दबा देंगे, क्लियर तो चिंता, बोले जा बोले। पार्वती बोली, अभी भी चुप नहीं हुआ। भोलेनाथ जी ने कहा, सात भावर हो गई, अब तो हार हार। और जैसे ही भोलेनाथ जी ने हाथ धरा बटन, अब नहीं बोला कुछ भी। शंकर जी ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा, चुप हो बैठा, बोले तो बोलेगा, अगर बोल दे और दूसरा बब्बा भेज दे तो आप बोल के कह, आप तो बोल लेना दक्षिण कहलवा, चुप। पार्वती जी ने पंडित जी का तिलक करके पूछा, आपको क्या दूं। हिमालय राज पूछे, पंडित जी कुछ तो ले लो। पीछे से ब्रह्मा जी ने कहा, तो आप पोथी उठा के, कुछ नहीं बोला। घर पे पंडित जी की पत्नी ने पानी पिला के पूछा, शादी कैसी रही, आवाज निकले से तो बोलत रहे, अब निकले तो बोले, कुछ बोले से। शिव का विवाह, ये तीसरे दिन कथा में आएगा, शंकर जी का विवाह जो अपन सुनेंगे। कनुना सागर, यह शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा में गोत्र की भी जरूरत नहीं है, या बिना गोत्र वाले को भी तार देती है शिव पुराण। आप सुनोगे, माताओं ने श्रवण करी तो उनका मायका पक्ष की भी सात पीढ़ी, ससुराल पक्ष की भी सात पीढ़ी कथा को श्रवण कर कर तर जाती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा है, शंकर की। तरण तारण वाले, अब कौन ऐसी कथा होगी। भागवत गोत्र से तारे, जीव को तारे, राम कथा, शिव महापुराण तार। चले सुंदर सनकादि ऋषियों ने एक सुंदर संवाद में, सुंदर आनंद में
शिव महापुराण के महत्तम को श्रवण कराया। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। देखो, हमारा जन्म जिस कुल में, जिस गोत्र में, जिस जगह पर हुआ है, हम उस वर्ण के अनुकूल रहे। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकाग्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है इन तीनों वर्णों की सेवा। पर आज के जमाने में सब अपने अपने वर्ण से विभाजित हो गए। द्रौपदी के सम्मुख में एक प्रश्न आया था, द्रौपदी के सम्मुख में एक सामने एक प्रश्न आया था, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। सुनिए कथा भागवत जी में, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने करा था। और द्रौपदी के जब 5 पुत्र मर गए, अश्वत्थामा को पकड़कर भीम ने सामने लाकर खड़ा कर दिया, द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी, मार दे द्रौपदी इस अश्वत्थामा को। द्रौपदी कहती है, इसको नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु का पुत्र है, ये मेरे गुरु का पुत्र है। द्रौपदी, इसने तेरे बेटे को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी कहती है, नहीं, ये मेरे गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, पर मैं छत्राणी होकर अपने कर्म से वंचित नहीं होंगी, मैं इसको नहीं मारूंगी, मैं इसको मारूंगी नहीं। अरे, इसने तेरे पुत्र को मारा, तू इसको मार दे। नहीं 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 स्वामी, ये हमारी शास्त्र की रीति नहीं कहती कि कोई कुत्ता हमें काटे तो क्या हम कुत्ते को काट लें? ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो सरी, पर घर में ऐसा ही होता है, सास ने कुछ बोला और बहू ने पलट के जवाब दिया, तो ये तो वही बात हो गई कि कुत्ता तुम्हें काटा तो तुम कुत्ता काट गई। बात तो यही है भैया, शिव महापुराण की कथा कर रही है, सास कुछ बोले, पिता कुछ बोले, बहू और बच्चों को चाहिए कि पलट कर जवाब ना दे, ना जवाब दीजिए। कई लोग कहते हैं, हमारी सास हमें बहुत गाली देती है महाराज, हमारी सास बहुत अपशब्द बोलती है। बोलने दो, बोलने दो, बोले तो। एक पत्थर का टुकड़ा एक खदान से निकला, उसी खदान में से मार्बल का जब टुकड़ा निकला, हथौड़ी की चोट दे देकर उसकी मूरत बनाई गई। बनाई कि नहीं बनाई? वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा है, लोग उस पे जूता रख के चल रहे हैं, वही मार्बल की मूर्ति मंदिर में पूजा रही है। बस अंतर इतना है, जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में पूजा गया, जो सहन नहीं कर पाया वो जूते खा रहा, वो जमीन पर लगा है। सास ससुर घर के बड़े हमको चोट दे दे कर तराशते हैं, पर हमारी आदत इतनी विचित्र है कि हम सास को ही तराश देते हैं, तो हमको तराश। महाराज बहुत अपशब्द बोलती है हमारी सास, बोलने दो, वो तुम्हें गाली दे, तुम आरती गाओ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। महाराज जी, वो हमको गाली दे और हम मारती गाएं, हाँ, वो तुम्हें अपशब्द बोले, तुम उसके लिए भजन करो, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो गुलबरगा वाली। काहे बोले? मीठा बोलिए, कहे को आप सब, कभी मत बोलो आप सब। शास्त्र कह रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हैं, शास्त्र कहता है जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं 21 दिन के अंदर वही शब्द घूमकर वापस हमारे पास में आ जाते हैं। घूमने के बाद
हम किसी को गाली देंगे वो घूमकर हमारे पास आने वाली है, हम किसी को अपशब्द कहेंगे वो घूमकर हमारे पास आएगा। इसलिए कहते हैं लोगों को भगवान का नाम दो, राम राम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, जय महेश बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर भगवत भजन में लीन रहे। भगवत भजन में एक जगह शिव महापुराण की कथा करने गए थे, काहे कौन सा स्थान था, मंगरूल पीर, वहां पर हमारे मारवाड़ी समाज के महेश्वरी बंधु कुछ बोले कि हम तो वेंकटेश भगवान को मानते हैं, हम कथा में नहीं आएंगे, तुमने गलत कथा रख ली शिव महापुराण की। भैया यहां शास्त्र कह रहा है तुम महेश्वरी महेश के वंशज हो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो महेश। पर आज के जमाने में लोग सीधी सीधी बात, शास्त्र शिवजी के कितने लड़का लड़की थे, अरे बोलो तो, शंकर भगवान के कितने बच्चे, शिवजी के 7 लड़के और 6 लड़कियां थी, कितने लड़के थे, 7 लड़के और 6 लड़कियां भगवान भोलेनाथ के। उन 7 लड़कों में से भगवान शिव के 5वें नंबर के लड़के से महेश्वरी वंश का उत्पत्ति हुई है, तब जाकर तुम महेश्वरी कहला। और तो लोग कहते हैं हम तो भैया नारायण वाले, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव के मंदिर नहीं जाते। अरे भैया क्यों ला जाते हो, भगवान महेश के वंशज हो, महेश को नहीं पूछोगे, दादा बाबा को नहीं पूछोगे तो किसको पूछो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी जब गुलबर्गा में महेश्वरी समाज की यहाँ पर अध्यक्ष बैठी है महेश्वरी महिला मंडल की, तो आज से 12-15 साल पहले कथा करी थी शिव महापुराण की, महेश्वरी महिला मंडल ने करवाई थी। एक बार जोरदार ताली बजाओ पूरी महिला मंडल के लिए, बहुत सुंदर। ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में, हम जब मृत्यु लोक में अगर जन्म लिए हैं, हमारे जीवन काल में जब हम आए हैं, और उस काल में आने के बाद में हम कुछ सत्कर्म की ओर, सत्कर्म, ये जितने मारवाड़ी हैं, चाहे अग्रवाल हो चाहे महेश्वरी हो, चाहे ये ओसवाल कहते हैं दिगंबर कहते हैं, हम वहां से निकले, इन सब की उत्पत्ति शंकर से, किसी की भी उत्पत्ति बाहर से नहीं, किसी की उत्पत्ति बाहर से, सब शिव के, सब शंकर के, जितने मारवाड़ी ओसवाल खंडेलवाल अग्रवाल महेश्वरी, ये जितने 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 हैं सब शिव के दिए होंगे। शंकर भगवान की जो 6 लड़कियां हैं, जया विशहरा आदि कादि कादि कादि, इन सब से उत्पत्ति है पूरी खांबों की, कहां गई। देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, और देवराज जब अपने कर्म से वंचित हुआ, एक बार शिव जी के मंदिर में पहुंच गया, शंकर जी के मंदिर में उसको ताप आ गया, बुखार आ गया, कहां जाऊं बहुत ठंड लग रही थी, शिव मंदिर में छुप गया। कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहा था, और भगवान शंकर की कथा को जब ब्राह्मण कर रहा, कथा को देवराज ने श्रवण कर ली, श्रवण करते ही उसका चित्त भगवान शंकर के शिवलिंग में लीन हुआ, सामने शिवलिंग था, उस शिवलिंग को देखता रहा, शिवलिंग, शिवलिंग जानते हो, अरे बोलो तो, किसका प्रतीक है, शंकर का। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर आपके यहां पर लिंगायत संप्रदाय है, तो लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत जितना प्रमाणिकता भगवान शंकर के शिवलिंग की है, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत माता हो पुरुष हो, गले में चांदी की कटोरी में भी शंकर का शिवलिंग धारण करती, शंकर का शिवलिंग। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर घर में बच्चा जन्म लेता है, तो मां उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक के लिंगायत संप्रदाय का मंत्र उस जन्म लिए बच्चे के कान में नहीं दे दिया जाता, तब तक उसको मां दूध भी नहीं पिलाती।
जो यहां पर लिंगायत संप्रदाय का अगर कोई बैठा होगा तो उसको मालूम होगा, बेटा कोई माताएं बैठी, अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ पूरी लिंगायत संप्रदाय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण करना, शंकर के शिवलिंग का जलोभाग ग्रहण करना, शंकर भगवान के शिवलिंग को आनंद सुख में अपने गले में धारण करना, ये हृदय से शिव को लगाकर रखना, शंकर को अपना बना। हमारे अग्रवाल जी से हमने पूछा, बोले गुरु जी कल शोभा यात्रा वो ईश्वर मंदिर से निकलेगी। हमने पूछा वो ही मंदिर क्यों चुना तुमने पूरे गुलबर्गा में से? कहे गुरु जी हम वहाँ पर हर सावन में हर सोमवार को जाते रहते हैं, बाबा भोलेनाथ जी से कुछ जान पहचान ऐसी हो गई, बाबा छोड़ते नहीं हैं और हम छूटना नहीं चाहते। तो जिससे दिल लग जाता है, तो शंकर का शिवलिंग से अग्रवाल जी आपका दिल लग गया तो वो लिंग तुम्हारा हो गया और तुम उस शिवलिंग के हो गए, शिव तुम्हारा। देखो दिल लगाना बहुत जरूरी है, अमेरिका वालों ने रिसर्च करा है, अटैक की बीमारी से बचना हो तो दिल लगा लो। वो बोल रहे हैं कुत्ता पालो, वो कह रहे हैं गैया ये पालो वो पालो। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे संतों ने, हमारे राष्ट्र के संत वेदव्यास जी आदि का आदि जितने संत हुए उन्होंने तो पहले से ही कहा इस दिल को लगा कर रखिए। अगर ये दिल संतों में लग गया, सत्संग में लग गया, गौ माता की सेवा में लग गया, शिवलिंग में लग गया, तो फिर ये दिल अगर वहां खुल गया तो फिर हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। हॉस्पिटल में उसी का दिल खुलता है जो सत्संग में नहीं खुला, इसलिए अटैक की बीमारी उसी को आती है, समझ गए? किसी ने कितना सुंदर गाया है, बताओ ना हमें लोगों हमें दिल की बीमारी सताओ ना हमें लोगों हमें दिल की, बोलो तो बीमारी हमारा भेद काशी में वो त्रिपुरारी है, हमारा भेद काशी में वो त्रिपुरारी है, सताओ ना हमें लोगों हमें दिल की बीमारी। हमारा दिल में एक बीमारी है और जिसके दिल में बीमारी लग गई उसका एक मरीज का एक डॉक्टर, और वो डॉक्टर भी मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा विश्वनाथ है। दुनिया में कोई इलाज नहीं कर सकता जो मेरा शिव कर सकता है, शंकर जो कौन करेगा। बीमार होने पर लोग तुम्हें आईसीयू में पटक देते हैं, वेंटिलेटर पर पड़ा है, परिवार का आदमी भी अंदर नहीं जा सकता केवल डॉक्टर के सिवाय, कोई जाता है? बोलो तो कोई नहीं। पर उस वेंटिलेटर पर भी, उस आईसीयू में भी एक अंदर है, वो कौन? वो त्रिकालदर्शी मेरा शिव अंदर विराजमान है। इसलिए कहते हैं जब व्यक्ति को घात आती, एक्सीडेंट होता है, तकलीफ आती, अटैक आता, शुगर बढ़ती, बीमारी आती, कोई किसी देवता को याद नहीं करता, ना नारायण ना कृष्ण ना देवी ना देवता, अगर कोई याद करता है तो केवल शंकर को महामृत्युंजय का जाप करवाता है। क्यों? क्योंकि शिव है तो श्वास चल रही है, शिव निकल गया तो केवल शव रह गया, इसलिए उस शंकर को याद करते कि निकल कर चले मत जाना, आईसीयू में रहना, आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहना, जब तक हमारे यहाँ का जीव पड़ा है तब तक शिव उसके अंदर रहे। शिव है तो शरीर है और शिव गया तो केवल शव है।
हमारा वेद दुनिया में वो एक बहुत अच्छा भजन हमारे भगत लोग गाते हैं, काल क्या करेगा काल क्या करेगा महा काल के आगे, वो कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे, कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महा काल के आगे, वो काल क्या करेगा महा काल के आगे, बोलो तो ना जगह पर वही तो विराज है। दूसरा है कहां पहुंचा है, हर जगह पर तला तल रसा तल वायु चर जीव जहां जहां देखो चला रहा है, शिव है तो तुम कथा भी सुन रहे हो, सही है कि गलत है, शिव है और शिव नहीं तो कुछ। जोड़ जोड़ के मर गए यहीं पे छोड़। जब कोई मर जाता है तो लोग पूछते हैं, गुरुजी ये बताओ लोग मर गए तो राम नाम सत्य कहते कि नहीं कहते, और वो उसके अर्थी लेके जाते हैं तो फेंकते फूल मखाना और चिल्लर खुल्ला पैसा इधर।